मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल के तहत आने वाले गरली गांव के पास पिछले दिनों स्कूल वैन दुर्घटना में घायल छात्र अरमान ने चालक की लापरवाही का बयान किया है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर घायल बच्चों का हाल जानने जोनल अस्पताल मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से बात की और घायल बच्चों से भी बात की। हाथ में कॉपी पेन पकड़कर मंत्री ने खुद बच्चों और अभिभावकों के बयान भी दर्ज किए। हादसे में घायल छात्र अरमान ने परिवहन मंत्री को बताया कि वो वैन की फ्रंट सीट पर बैठा था और उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी बच्चे अपने घरों की तरफ जा रहे थे और पीछे वाली सीट पर बैठे बच्चे शोर कर रहे थे। चालक बार बार उनकी तरफ देख रहा था। अरमान ने चालक को सड़क पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा, लेकिन उतने में वैन खाई में जा गिरी। इस हादसे में 11 बच्चे घायल हुए जबकि एक बच्चे की मौत हो चुकी है। घायल छात्र अरमान ने बताया कि स्कूल वैन को कोई और अंकल चलाते हैं और उनकी टांग में फोड़ा होने के कारण एक सप्ताह से वे अपने बेटे को भेज रहे थे। आज हमारा पहला पेपर था, हम स्कूल से घर को जा रहे थे 12 बजे। तब बच्चों ने पीछे शोर डाला हुआ था, तो ड्राइवर पीछे देख रहा था और मैंने कहा उसे भी आगे देख, गाड़ी टेढ़ी जा रही है उस साइड को। तब तक मैंने कहा था तब तक गाड़ी खाई में गिर गई। रोज यही ड्राइवर आता था? हफ्ता भर तक यही ड्राइवर आ रहा था। इससे पहले कौन आता था? इससे पहले इसका पापा आता था, उसे आजकल फोड़ा हुआ था ना टांग में, उसके लिए उससे सीट पर नहीं बैठा जाता इसलिए वो आता था। बाकी दिन गाड़ी ठीक चलाता था? यस सर। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने घायल चालक का भी हाल जाना। इस चालक को परिजन सरकाघाट अस्पताल से अपनी मर्जी से उपचार करवाने के लिए कहीं और ले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जोनल अस्पताल मंडी लाया गया। हालांकि घायल चालक इस हालत में नहीं था कि वे किसी से बात कर सके, लेकिन उसकी मां ने परिवहन मंत्री से बात की। मंत्री के पूछने पर महिला ने अपने बेटे की उम्र 18 साल की बताई और ये बताया कि अभी हाल ही में उनका बेटा +2 की परीक्षा पास करके आया है। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने घायल चालक के उपचार में पूरी तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है और अगर जो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना कि स्कूल परिवहन सुविधा के नाम पर लूट घसूट मचा रहे हैं और इस पर उन्होंने कार्रवाई का भरोसा भी दिया। जब जहां पर पहले यह होता था कि शिक्षा एक सेवा का साधन था, लेकिन मैं एक बात को मानता हूं कि मानव का स्वभाव है कि कहीं ना कहीं आदमी में स्वार्थ है, लेकिन तब भी वो इतना भी नहीं कि किसी के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं, और इसलिए अब जीवन की कीमत तो कोई दे नहीं सकता। अब जिस बच्ची की जान चली गई, अब जिन बच्चों को कष्ट हुआ और उन बच्चों के परिवार वालों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक यानी हर प्रकार का नुकसान झेलना पड़ता है और पूरी सोसाइटी के लिए यानी कितने प्रकार की परेशानियां होती हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो हैं सबके सब लोग, तो इसलिए यह है कि जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। और इसलिए मैंने कहा कि जो भी कानून के मुताबिक जो भी उचित कार्रवाई है, क्योंकि हर एक में हमारे संविधान में सबके लिए कोई ना कोई कानून बना है। और जो यानी कि गाड़ी प्राइवेट गाड़ी को कैसे लगाया, क्यों लगाया, अब गाड़ी की क्या है यानी जो कंडीशन, और उस सब पर पूरी कार्रवाई करेंगे।